ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम डे वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में टेररिस्ट का प्लान था प्रेसिडेंट की स्पीच में अटैक करना या फिर वहां पर बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करना। अब जो मिलिट्री कर्नल है उसने हमें ये बोला था कि अगर हम लोग इस प्लान को फेल करवाते हैं तो वो ट्रेवर को छोड़ देगा। अब देखो, ट्रेवर को बचाने के लिए हमने टेररिस्ट से पंगा लिया, उनका प्लान फेल करवाया लेस्टर के एक फ्रेंड पेज हैरिस की मदद लेकर, क्योंकि वो बहुत बड़ी हैकर थी और टेररिस्ट का प्लान फेल करवाने के लिए हमें हैकर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब देखो, ये जो प्लान है ये तो हो गया और जितना भी काम है सारा कंप्लीट हो गया, यानी जो प्रेसिडेंट था उसको भी हमने बचा लिया है। अब जल्दी से हम लोग चलते हैं यहां पर मिलिट्री कर्नल के पास और उससे बात करते हैं कि आखिरकार वो ट्रेवर को कब छोड़ रहा है। मतलब यार, पूरा का पूरा एक दिन बीत चुका है। अब लास्ट डे तो मैं नहीं गया था, उसके पास मैं बीच रास्ते में उतर गया था क्योंकि उस टाइम पर प्रेसिडेंट की स्पीच चल रही थी, तो यार इसीलिए उस दिन मैं मिलिट्री कर्नल के पास नहीं गया। फिलहाल जल्दी फ्रैंकलिन बाइक पर बैठ, अब हम लोग जाने वाले हैं मिलिट्री कर्नल के पास। और लास्ट टाइम हम लोग जब उस गांव से वापस आ रहे थे पेज के साथ, तो वो अपनी कार में थी, तो मैं उसकी कार से उतर गया था क्योंकि मेरे को अपनी बाइक लेकर आनी थी। आप लोग को याद होगा ये जो बाइक है हमने कहाँ पर ले जाके खड़ी करी थी। अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा रॉन्ग वे जा रहा हूँ, मेरे को यहाँ पर लेफ्ट साइड पर जाना है। अभी जल्दी से मिलिट्री कर्नल के पास चलते हैं और देखते हैं आखिरकार वो क्या कहता है। बाकी यार, अगर वो ट्रैवर को छोड़ देगा तो अपनी लाइफ जो है पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी। और यार, मैंने अब थोड़ी बहुत क्राइम भी कम करूँगा क्योंकि यार बेमतलब हम लोगों को मार रहे हैं। अब जो भी मेन बंदे खतरनाक होंगे ना, जिनसे हमारी दुश्मनी है, सिर्फ उनसे पंगा लेंगे। बेलास गैंग वगैरह इन सब के बंदों को बेमतलब नहीं मारूंगा, अगर ये लोग पंगे लेंगे तो इनका मुंह तोड़ूंगा। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर उसी जगह पर पहुंचने वाला हूं जिधर प्रेसिडेंट की स्पीच हुई थी। तो भी जल्दी से हम लोग वहां पर चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार मिलिट्री कर्नल वहां पर है या फिर नहीं है। अब यार देखो, उसने तो मेरे को बोला था कि वो वहीं पर हमें मिलने वाला है, बाकी अभी चलकर देखेंगे तो ही मालूम पड़ेगा। और गाइस, एक सेकंड, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि जो प्रेसिडेंट की स्पीच थी वो कल हुई थी और प्रेसिडेंट तो अभी तक जा चुका होगा, बट यहां पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्या कर रही है। अभी खैर छोड़ो, अभी हम लोग जल्दी से यहां पर आगे चलते हैं। बाकी तो यार, आप लोग यहां पर देख पा रहे हो भाई, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं जितने भी मिलिट्री वाले हैं और यहां पर से मेरी इस वाली गेट से एंट्रेंस भी नहीं हो पाएगी। वाओ, और ये एक सेकंड, अभी भी प्रेसिडेंट यहां पर है क्या? उसकी गाड़ी तो खड़ी हुई है और सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से अभी प्रेसिडेंट गया नहीं है। पता नहीं यार क्या सीन है। अभी जब तक प्रेसिडेंट नहीं जाएगा तब तक यार हमें चेकिंग करवा के यहां पर अंदर जाना पड़ेगा। तो चलो कोई नहीं, अभी जल्दी से मैं अपनी बाइक को यहां पर खड़े करता हूं और फटाफट से हम लोग यहां पर अंदर चलते हैं। यहां से कोई बाइक वाइक चोरी ना कर ले जाए। अभी जल्दी से फ्रैंकलिन आ जा। और यहां पर फ्रैंकलिन के पास जो मतलब आप देख पा रहे हो ना ब्रीफ केस, उसके अंदर भी वेपन्स ही हैं। फिलहाल यहां पर ये अपनी चेकिंग करेगा कि हां जी भाई सब्जी चेकिंग कर लो। ओके, तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर पुलिस ऑफिसर से बात हो गई है और यहाँ पर इन्होंने अंदर कॉल करके बोल दिया कि माइकल आ चुका है और इनके मिलिट्री कर्नल की जो पूरी की पूरी फोर्स है वो अभी मेरे को लेने के लिए आ रही है। बाकी यार, यहाँ पर इन्होंने चेकिंग करके मेरे सारे के सारे वेपन्स निकाल के इस वाले बॉक्स में रखवा दिए हैं, कह रहे जाते समय तुम्हें वापस मिल जाएंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर सामने की तरफ से काफ़ी सारे सोल्जर्स आ गए हैं मेरे को लेने के लिए, तो वैसे चेकिंग हो गई है ऑलरेडी। तो भी जल्दी से यहाँ पर मैं इनके साथ साथ अंदर चलता हूँ। अरे आराम से आराम से भाई, पीछे फ्रैंकलिन भी है। भाई साहब, इन्होंने यहाँ पर भूत बना रखा, आधे बंदे फ्रैंकलिन के ऊपर एम करके बैठे हुए हैं, आधे बंदे मेरे। खैर छोड़ो कोई नहीं, अभी ना अंदर प्रेसिडेंट भी है इसलिए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है। मेरे हिसाब से अब जो मिलिट्री कर्नल है उसको मेरे ऊपर विश्वास हो गया होगा कि मैं उसको कभी नहीं मारूंगा। वैसे अगर उसने ट्रेवर को ना पकड़ा होता ना, मतलब अगर ट्रेवर उसके अभी अंडर नहीं होता तो मैं कब का मिलिट्री कर्नल को मार चुका होता। बट यार, अगर अभी हम लोग मिलिट्री कर्नल को मारते हैं या फिर उसको मारने की कोशिश भी करते हैं ना, तो फिर ट्रेवर नहीं बचने वाला, तो यार ये अपनी फिर बहुत बड़ी गलती होगी। तो इसलिए भी यार मिलिट्री कर्नल को कुछ भी नहीं कहना। बाकी यार आगे ही जाने ना यहाँ पर, भैया तुम पहले आ जाओ, कहीं ऐसा हो कि सीन ही खराब हो जाए। अभी फिलहाल फ्रैंकलिन को पीछे रोक दिया था। अब यार देखो, यहाँ पर ना इन लोगों ने हमारे सारे के सारे वेपन्स तो ले लिए हैं, बट जो फ्रैंकलिन के पास ब्रीफ केस है ना, वैसे उसके अंदर कोई वेपन नहीं है, उसके अंदर सिर्फ थर्माइट है। अब थर्माइट से क्या होता है, जो जितना भी लोहा हुआ होता है ना, जलाकर मतलब एक टाइप से चूरा कर देगा और वो चीज टूट जाएगी, मतलब कि प्रिजन एस्केप करने के बहुत ज्यादा काम आता है। तो मेरे हिसाब से मिलिट्री कर्नल उस चीज से कुछ नहीं कहेगा। बाकी यार अभी जल्दी से हम लोग यहाँ पर अंदर चलते हैं मिलिट्री कर्नल से बात करने के लिए। और यार आज भी स्पीच हो रही है क्या? एक सेकंड, मुझे लग रहा था मिलिट्री कर्नल गया नहीं होगा, बट आज भी स्पीच हो रही है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। बाकी आज यार बिल्कुल भी ऑडियंस नहीं है। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर जितने भी मिलिट्री के मतलब की ऑफिसर्स है, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके लिए स्पेशल स्पीच है, बट अभी तक प्रेसिडेंट तो यहाँ पर आया ही नहीं है। बाकी यहाँ पर मिलिट्री कर्नल अपना ये बैठा हुआ है, तो जल्दी से इससे बात करते हैं और देखते हैं क्या कहता है ये। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर मिलिट्री कर्नल से बात हो गई है और गाइस ये कह रहा है कि अभी यहाँ पर थोड़ी देर में स्पीच स्टार्ट होने वाली है, इसलिए मेरे पीछे आओ। तो पता नहीं यार अभी किधर लेकर हमें जाने वाला है, वहां पर चल के बात करेगा। खैर छोड़ो, जो भी है, अभी फिलहाल जिसके जो मिलिट्री सोल्जर्स है पीछे पीछे, तो वो अभी भी हमारे आ ही रहे हैं, तो वहां पर जाकर भी कुछ ऐसा सीन नहीं है कि हम लोग मिलिट्री कर्नल कुछ कर पाए। वैसे यार इसको ना मारना भी नहीं है क्योंकि बंदा बहुत ज्यादा बढ़िया है, इसने यहाँ पर ये सब कुछ अपने प्रेसिडेंट को बचाने के लिए करा है। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल यहाँ पर मिलिट्री कर्नल तो अंदर जा चुका है, जल्दी से हम लोग यहाँ पर अंदर चलते हैं। बाकी तो यार आप
लोग यहाँ पर भी देख पा रहे हो कितनी ज्यादा सिक्योरिटी इन्होंने रखी हुई है। और यार इधर तो काफी सारे वेपन्स हैं और यहाँ पर चलो अभी देखते हैं क्या बात करना चाहते हैं हमसे। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर मिलिट्री जनरल से बात हो गई है और गाइस ये कह रहा है कि अभी ट्रेवर को लेने के लिए हमें सबमरीन में नहीं जाना, मतलब कि वो जो हैकर है ना वो उसको एक सीक्रेट लोकेशन पर लेकर आने वाला है, वहां पर हम लोग जाएंगे और फिर वो हमें ट्रेवर को देगा। बाकी वो जो लोकेशन है वो अभी इसको भी नहीं मालूम, वो जो हैकर है वो थोड़ी देर में कॉल करके इसे बता देगा और ये हमें बता देगा। लेकिन यार ये जो मिलिट्री का ना यार ये बार बार ना हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। ये कह रहा है कि तुम्हारा इतना बड़ा शोरूम है तो तुम्हें मेरे को एक कार तो गिफ्ट करनी पड़ेगी और बदले में ये भी हमें रिटर्न गिफ्ट देगा। और ये कह रहा है कि ऐसा रिटर्न गिफ्ट है कि तुम्हें जिंदगी में किसी ने नहीं दिया होगा और तुम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। बाकी यार कहीं ऐसा ना हो कि रिटर्न गिफ्ट में हमें मार ही दे, क्योंकि यार इसका काम तो निकल चुका है, बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करेगा, बंदा तो बढ़िया है। अब यार देखो ये मिलिट्री कर्नल है यानी कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, फिर भी ये हमसे गाड़ी मांग रहा है वो भी फ्री में। तो मेरे हिसाब से ना ये अपना रोप जमाना चाहता है हमारे ऊपर, पता नहीं यार क्या सीन है। लेकिन यार जो भी हो अभी यार इसके लिए काम करना ही पड़ेगा क्योंकि यार ये यहाँ का मिलिट्री कर्नल है। वैसे इसने बोला कि बाहर तुम्हारे लिए एक FIB की कार खड़ी है 4 सीटर जिसमें तुम आज से पहले कभी नहीं बैठे होगे, लेकिन इसको मालूम नहीं है कि हम कौन कौन सी गाड़ियों में बैठ चुके हैं। खैर छोड़ो जो भी है, अभी वैसे मैं FIB की गाड़ी में पहली बार बैठ रहा हूँ क्योंकि ये जो कार है बहुत कम दिखती है। अब यहाँ पर इसके अंदर सायरन वगैरह आप लोग देख पा रहे हो नीचे कैसे लगे हैं, बट इतनी भी ज्यादा कोई खास व्हीकल नहीं है, बैनी इसे 5 मिनट में बना के फेंक देगा। तो भी अबे तेरी भैंस की टंग फ्रैंकलिन गिर गया। चलो भाई फाइनली हम लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं, बाय 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 गाइस बाय बाय। तो चलो यार अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकलता हूँ। गेट बंद कर ले भाई फ्रैंकलिन, और ये वाला गेट कौन खोलेगा? तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर पुलिस ऑफिसर ने ये वाला जो बैरियर है वो खोल दिया है। तो अभी बिना किसी तरीके हम लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर निकल लेते हैं। वैसे कार तो काफी ज्यादा बढ़िया है, बट यार मैं तो यहाँ पर बाइक से आया था तो मैं इस कार से क्यों जा रहा हूँ। अभी जल्दी से मैं अपनी बाइक लेता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। और ये बाइक किसी ने छेड़ी तो है, मैंने बाइक यहाँ पर खड़ी करी थी और वो थोड़ी सी आगे चली गई। खैर छोड़ो कोई नहीं, अभी जल्दी से हम लोग अपनी बाइक में बैठते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। वैसे यार अभी मैं कहाँ पर जाऊँ मेरे को कुछ नहीं मालूम, क्योंकि यार अभी इसके लिए गाड़ी लेनी है और ये कह रहा है कि थोड़ी देर में कॉल करके बता ही देगा। तो चलो यार एक काम करते हैं, सबसे पहले ना इसके लिए कोई गाड़ी ढूंढते हैं। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मुझे इसे सुपर कार देनी चाहिए या फिर एक रॉयल कार देनी चाहिए, SUV देनी चाहिए। एक काम करते हैं इसे ना ओल्ड विंटेज कार को पूरा मॉडिफाई करवा कर देते हैं। अब एक जगह है, मतलब एक गाँव में एक बंदा है, उसके पास ना काफ़ी टाइम पहले मैंने एक ओल्ड विंटेज कार देखी थी, वैसे पूरी कचरा हो रखी है, बट बैनी से हम लोग उसे अच्छा खासा मॉडिफाई करवा सकते हैं और वो जो कार है ना हमें ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यार गाँव की गाड़ी मतलब कि गाँव का बंदा है तो शायद से सस्ती दे ही देगा। खैर छोड़ो अभी जल्दी से हम लोग वहाँ पर चलेंगे, देखते हैं क्या सीन है। बाकी तो यार अभी फिलहाल को पहले बैनी से भी बात करनी पड़ेगी कि इस टाइम पर वो फ्री है या फिर नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग गाड़ी लेकर आ जाए और बैनी मॉडिफाई ना करे। तो चलो गाइस अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक को लेकर पहुँचने वाला हूँ सीधा पलेटो, और यही वो गाँव है जहाँ पर मैंने लास्ट टाइम उस ओल्ड विंटेज कार को देखा था। बाकी यार मेरे को एकदम एग्जैक्ट घर तो याद नहीं है कि वो कहाँ पर खड़ी थी, बट मुझे एक एरिया पता है कि वो किधर थी। बाकी यार पलेटो में ना ज़्यादा घर है भी नहीं तो मेरे को ढूंढने में इतना टाइम लगेगा भी नहीं, और वैसे मुझे इतना याद है कि वो एक छोटा सा घर था, कोई ज़्यादा बड़ा घर भी नहीं था, और एक भुट्टा सा बंदा था उसी के पास थी वो गाड़ी। बाकी अभी फिलहाल मैं शहर के अंदर, मतलब शहर बोलो गाँव बोलो जो भी है, मैं पलेटो के अंदर एंटर हो चुका हूँ। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पर तो जितनी भी मतलब कि नॉर्मल शॉप्स वगैरह इस साइड पर है, मार्केट एरिया है, एक काम करता हूँ मैं पीछे वाले रोड पर चलता हूँ, जितने भी घर वगैरह है वो सारे के सारे इधर है। बाकी यार ये एक टूटा फूटा घर आया, थोड़ी बहुत जगह तो याद आ रही है बट एकदम एग्जैक्ट घर नहीं याद आ रहा। तो ओके 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 शायद से यही वाला वो घर था। तो भी जल्दी से मैं अपनी बाइक को यहाँ पर अंदर लेकर चलता हूँ, यहीं कहीं पर मैंने उस कार को खड़े हुए देखा था। नहीं नहीं यार यहाँ पर तो कोई गाड़ी नहीं है फिलहाल, इधर की तरफ में घस के। ओके ओके गाइस ये देखो ये खड़ी अपनी गाड़ी, तो गाइस यही गाड़ी मेरे को लेनी है। तो चलो भाई अभी फिलहाल मेरे को अपनी गाड़ी मिल गया है, बट ये अपने बगल वाले घर में है। तो जल्दी से मैं अपनी बाइक लेकर यहाँ पर चलता हूँ। ये बैठा बंदा यही वो बुड्ढा है जिसकी ये कार है। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे कितनी पुरानी कार है, एक बारी मैं जाकर देख लेता हूँ। ओके तो यहाँ पर एक और बंदा बैठा हुआ है। यार इस कार की लुक कितनी ज़्यादा बढ़िया है, पहले इससे बात करते हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये मैं चोर समझ ले। ये जितने पैसे मांगेगा ना इसको भी उतने पैसे मैं दूंगा। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर इस अंकल से बात हो गई है, और गाइस ये कह रहा है कि अपनी गाड़ी बेचना नहीं चाहता चाहे हम इसको कितने भी पैसे दे दें। भाई पता नहीं यार इसका क्या सीन है, लग रहा है ना इसको आराम से समझाना पड़ेगा। तो गाइस अभी ना फिलहाल मैंने तो पिस्टल निकाली थी लेकिन फ्रैंकलिन ने नाइफ निकाल लिया, और ये जो बंदा है बेचारा डर के मारे यहाँ पर बैठ गया। अब यार देखो इसको ज़्यादा नहीं डराना, ये कह रहा है गाड़ी तुम ले जाओ भले ही फ्री में, बट इसके बदले ना इसको एक बढ़िया सी गाड़ी लाकर दे देना जिससे ये ट्रैवल कर पाए। बाकी तो यार ये कह रहा है कि ये जो गाड़ी है ना ये बहुत ज़्यादा पुरानी है और ये ढंग से चलती भी नहीं है, तुम्हें ठीक करवानी पड़ेगी। तो ठीक करवाने की गारंटी हमारी है क्योंकि अपने पास बैनी है। बाकी यार ये जो गाड़ी है ना ये कह रहा है आज से 50 साल पुरानी है। बाकी यार आज भी ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। बाकी तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो गाड़ी में बिल्कुल भी स्पीड नहीं है, और मेरे को नहीं लगता कि यार ये गाड़ी अब ज़्यादा दूर तक चल भी पाएगी। अब यार या तो इसकी पेट्रोल की कमी हो सकती है या फिर इसका इंजन ख़राब हो सकता है। बाकी यार गाड़ी तो बहुत ज़्यादा मतलब भीग भीग की पूरी सड़ चुकी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज भी जो गाड़ी के मतलब मिरर है ना, मतलब मिरर नहीं, ये
जितने भी गाड़ी की विंडोज हैं ये सारी की सारी एकदम प्रॉपर कंडीशन में है। तो गाइस देखो ये जो गाड़ी है ना ये चला के ले जाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, इसको जल्दी से मैं वापस अंदर खड़ी करता हूँ और एक टॉ ट्रक लेकर आता हूँ, उससे टॉ करके लॉस सैंटोस तक ले जाएंगे, वहां पर बैनी तो अपने ही जो कि इसे रिपेयर कर देगा। अभी फिलहाल जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहीं पर खड़ी करता हूँ और बैनी अंकल जी का ध्यान रखियो कहीं ऐसा ना हो कि भाग जाए और इसके डॉग से ज्यादा बच के रहियो, क्योंकि इसके डॉग का कुछ नहीं पता, पता लगा उठ के फ्रैंकलिन को ही काट ले। फिलहाल यहाँ पर पुलिस भी आ गई, चलो कोई नहीं, फिलहाल पुलिस वालों को जाने दो। अभी जल्दी से मैं अपनी बाइक लेकर चलता हूँ, सीधा एक टो ट्रक ले आते हैं। बाकी यार एक सेकंड, ये क्या है सामने? ओ भाई यहाँ पर एक पिजन मरा हुआ, शिट 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 शिट, और यहाँ पर ये पिजन रोड पे किस लिए घूम रहा है? उड़ पे तेरी ऐसी की दसी, पता नहीं यार कितने जिद्दी पिजन है। ओ भाई 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 अंधा है क्या भाई? बच गया, साइड से। ओ भाई इसके ऊपर उसने गाड़ी चढ़ा दी, तो यार क्या अंधे बंदे भाई, चलो यार इसको भी उठा के साइड रखते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैंने इस पिजन को उठा लिया है और अभी ना इसको मैं साइड में रख कर आता हूँ। वैसे यार देखो ये तो एक गेम है, बट आपको रियल लाइफ में भी कहीं पर कुछ ऐसा सीन दिखता है तो प्लीज यार अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हो तो उनकी हेल्प करना, अदरवाइज यार उनको कहीं पर साइड में ही रख देना, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें कैट खा जाए या फिर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ के चले जाए। तो फिलहाल ये जगह मेरे को थोड़ी बहुत सही लग रही है तो यहीं कहीं पर इसे मैं साइड में रख देता हूँ। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल पिजन को मैंने इधर साइड में रख दिया है, यहाँ पर ही अपना सेफ रहेगी कैट से भी। तो चलो अभी फटाफट से हम लोग निकलते हैं अपने काम के लिए, यानी टो ट्रक ढूंढने के लिए। बाकी यार ये एक पिजन है, शायद से ये एक सीगल थी, अब पता नहीं यार वाइट पिजन भी हो सकती है, खैर छोड़ो जो भी है। अभी फटाफट से मैं अपनी बाइक उठाता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो जो फैक्ट्री साइड एरिया है ना वहीं पर मेरे को टो ट्रक मिलने वाला है। ओके एक सेकेंड, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये खड़ा टो ट्रक। तो चलो भाई देखो हमने किसी की हेल्प करी और अपनी किस्मत देखो हमें यहीं पर टो ट्रक मिल गया। बाकी यार यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर भी है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को ले जाने से मना कर दे। अब यार देखो इतना काम तो करना ही पड़ेगा, मैं वापस यहीं पर लाकर खड़ा कर दूंगा। वैसे यार ऐसा नहीं है, मेरे को इसे लॉस सैंटोस तक लेकर जाना है, तो चलो कोई नहीं इसे चुरा ही लेते हैं। अभी फिलहाल फ्रैंकलिन अपनी बाइक ले आएगा, मैं टो ट्रक से वो गाड़ी लेकर जाने वाला हूँ। बाकी वो लोग मेरे कुछ कह तो नहीं रहे। चलो अभी फटाफट से मैं अपने ट्रक को मोड़ता हूँ और सीधा लेकर चलता हूँ जहाँ पर अपनी वो कार थी। तो ये रही अपनी गाड़ी और फ्रैंकलिन अभी भी टॉर्चर करने में, अरे बस कर भाई उसे हार्ट अटैक आ जाएगा यार, कुछ ज़्यादा ही मजे ले रहा है फ्रैंकलिन आजकल उससे। तो चलो अभी फटाफट यहाँ पर अपनी गाड़ी को मैं पीछे लेकर चलता हूँ, एकदम आराम से मेरे को इसे नीचे करना है और इससे मेरे को अटैच करना है। और एक सेकंड यार ये सेंटर से अटैच नहीं हुआ है, चलो कोई नहीं, वैसे कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। बाकी अब जो है मैं अपनी गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा तेज यहाँ से लेकर जा सकता हूँ। भाई इस गाड़ी का वेट कितना है? ओ भाई साहब गाइस ये जो गाड़ी है ना भाई बहुत ज़्यादा भारी है, टो ट्रक की हालत ख़राब हो गई इसको खींचने में। एक सेकंड यार मेरे को इसे वापस से डी अटैच करके अटैच करना चाहिए यार, सच्ची में ये गाड़ी ऐसे नहीं जाने वाली भाई, खींच ही नहीं रही है बिल्कुल। 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है ये ट्रक। आपको याद होगा जब मैं इसे फरारी लेकर आया था 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भगाता हुआ लाया था इस ट्रक को, बट ये तो भाई 6 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जा ही नहीं रहा है यार। अभी मेरे को क्या करना चाहिए? एक ट्रक लेकर आना पड़ेगा भाई, इससे भी काम नहीं होने वाला, भाड़ में जाइए टो ट्रक। भाई ये जो गाड़ी है इसका वेट बहुत ज़्यादा है यार, आखिरकार 50 साल पुरानी गाड़ी है तो कुछ ना कुछ तो इस गाड़ी में खास बात होगी। अभी फटाफट से मैं अपनी बाइक को उठाता हूँ और यार ट्रक लेकर आता हूँ। और वैसे भी यहाँ पर पूरा पूरा फैक्ट्री वाला एरिया मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ट्रक हमें बहुत ज़्यादा आसानी से मिलने वाले हैं। लेकिन यार जो भी हो ये जो गाड़ी है ना भाई इसने तो मेरे को हैरान कर दिया, मतलब टो ट्रक की पूरी हालत ख़राब होगी, वो इसे खींच नहीं पा रहा। अगर अभी मैं उससे आपको बाकी गाड़ियाँ खींच कर दिखाऊंगा ना भाई, वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलेगा, इतना ज़्यादा बढ़िया ट्रक होता है वो। और वैसे भी वो बड़े साइज़ वाला टो ट्रक है, छोटे साइज़ वाला भी नहीं है, पता नहीं यार कितना वजन होगा उस गाड़ी का, बाद में टेस्ट करेंगे। तो क्योंकि गाइस जैसे कि आप लोग लेफ्ट साइड पर देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा बड़ा पेट्रोल पंप है जहाँ पर एक ट्रक खड़ा हुआ है, बट यार उधर उसका ट्रेलर है ही नहीं, मीन्स जिसके अंदर हमें गाड़ी लोड करवानी है वो चीज़ ही नहीं है, तो फिर उस ट्रक का कोई फायदा भी नहीं है। अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक को इसी हाईवे पर थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ, क्या पता कोई ना कोई ट्रक आ ही जाए। फिलहाल सामने से 2 ट्रक आ रहे हैं, इस वाले ट्रक के अंदर भी ट्रेलर अटैच नहीं है और ये वाले ट्रक के अंदर भी ट्रेलर अटैच नहीं है। भाई कहाँ रह गया यार तुम्हारे? ओके एक सेकंड गाइस, मेरे को पीछे की तरफ में एक छोटा सा ट्रक दिखा है, मतलब ट्रक कह सकते हैं, पता नहीं क्या कहेंगे अभी। बाकी यार यहाँ पर अपनी बाइक को मैं इधर ही पार्क करता हूँ और एक सेकंड यार इसके अंदर अपनी कार आ जाएगी, मेरे हिसाब से अपनी कार बहुत ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन यार फिर भी कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर बैठ कर देखते हैं क्या पता आ जाए। तो चलो अभी फटाफट से यार इस वाले ट्रक के अंदर मैं बैठता हूँ और अभी फिलहाल अपनी बाइक जो है मैंने यहीं पर छोड़ दिया, फ्रैंकलिन आकर ले जाएगा। अगर देखो इस ट्रक के अंदर अपनी कार आ जाती है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, अगर नहीं आती तो फिर हमें दूसरे ट्रक का जुगाड़ करना पड़ेगा। वैसे ये जो ट्रक है ना पता नहीं इनमें से किसी बंदे का है और इनका अभी ध्यान नहीं है और मैं आराम से यहाँ पर चुरा कर इसे जा रहा हूँ। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। अभी जल्दी से अपने ट्रक को यहाँ पर मैं राइट में उड़ता हूँ और अभी फटाफट से लेकर चलते हैं शहर के अंदर। तो ओके गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपने ट्रक को इस शहर के अंदर तो लेकर आ चुका हूँ
वापस से और सामने की तरफ में वो खड़ी अपनी गाड़ी। तो सबसे पहले मुझे अपनी गाड़ी को ना यहाँ पर इस वाले टो ट्रक से डीअटैच करना पड़ेगा, फिर इस वाले ट्रक के अंदर उसे डालना पड़ेगा। तो जल्दी से ना सबसे पहले इसका मैं ट्रेलर का जो ट्रंक है वो खोल देता हूँ। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल अपने ट्रक का जो ट्रंक है उसे मैंने खोल दिया है। अभी जल्दी से यहाँ पर मैं चलता हूँ सीधा पीछे वाले अपने टो ट्रक पर, अपनी कार को मैं डीअटैच करता हूँ और पूरा रोड खाली पड़ा है, तुम लोग को यहीं से जाना है क्या? साइड से निकाल लो। पता नहीं यार कितने ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं। अपनी गाड़ी को मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ वरना ये लोग यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा देंगे। बाकी तो अपनी गाड़ी को सबसे पहले मेरे को एकदम जमीन पर रखना पड़ेगा, तभी ये डीअटैच होगी। तो चलो यार अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने इसे रख दिया है, अभी फटाफट से मैं अपने ट्रक से उतरता हूँ, जल्दी से अपनी गाड़ी को पीछे खींचते हैं और यहाँ से इसे लेकर चलता हूँ उसके ऊपर लोड करवाने। वैसे यार गाड़ी बिल्कुल चल जाए बस वही बहुत बड़ी बात है, चल जा चल जा चल जा। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इसको उसके हुक से तो डीअटैच कर दिया है, अब बस फटाफट से इसको मेरे को अपने सामने वाले ट्रक के अंदर लोड करवाना है। यार कितनी ज़्यादा स्लो चल रही है, मतलब कि इसकी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा औकात नहीं है। पता नहीं यार पेट्रोल की कमी या फिर इंजन खराब है, वैसे सब कुछ ओके है। बाकी गाड़ी यहाँ पर मैंने लोड करवा दी और अच्छी बात तो ये है कि गाड़ी पूरी आ गई है, बट यहाँ पर एक दिक्कत है गाइस, जो पीछे वाला ट्रंक का मतलब ये बंद नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि गाड़ी ना थोड़ी सी बाहर निकल गया है। खैर छोड़ो, कोई नहीं, ओपन करके ही ले जाते हैं। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने फ्रैंकलिन को कॉल करके बोल दिया है कि जो मेरी बाइक है उसको लेकर आ जा, अपना ट्रक व्रक का जुगाड़ हो गया है, मैं फटाफट से निकल रहा हूँ लॉस सैंटोस के लिए। बाकी यार वहाँ पर जाने से पहले ना एक काम करता हूँ, ये जो इसका पीछे वाला ट्रंक है ना यार हर जगह टकराएगा, तो इसको मैं तोड़ ही देता हूँ। अब इससे क्या रहेगा कि जो रोड है उस पर स्क्रैच भी नहीं आएंगे, और वैसे भी अगर टकराता ना जमीन पर तो अपना ट्रक भी थोड़ा बहुत स्लो चलता, बाकी अगर मैंने उसको तोड़ दिया तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को लेकर निकल लेता हूँ सीधा लॉस सैंटोस के लिए। बाकी भी फ्रैंकलिन अपनी बाइक लेकर आ रहा है, क्योंकि यार वो जो बाइक है मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारी है और मैं नहीं चाहता कि वो बाइक कहीं पर भी खोए। तो अभी जल्दी से अपने ट्रक को लेकर निकलते हैं सीधा लॉस सैंटोस। तो कि गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपने ट्रक को लेकर पहुंच चुका हूँ सीधा लॉस सैंटोस। अब जल्दी से इसे लेकर चलता हूँ अपने शोरूम में बैनी के पास, वही इस गाड़ी को देखकर बताएगा कि ये रिपेयर हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। वैसे जहाँ तक मुझे पता है बैनी इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा आराम से रिपेयर कर देगा। और यार अभी तक ना मेरे को एक चीज़ नहीं समझ आई कि फ्रैंकलिन ना मेरे को बीच रास्ते में कहीं पर भी नहीं मिला, मैं भी एकदम सीधे हाईवे से ही आया था, तो जहाँ तक मुझे लग रहा था फ्रैंकलिन भी उसी रास्ते से आएगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा, बट पता नहीं वो मिला नहीं। अब पता नहीं वो पहुँचा भी है या फिर नहीं पहुँचा, कहीं ऐसा ना हो कि उसके कुत्ते ने उसे काट लिया हो, क्योंकि उसके बाद मैंने उसे देखा भी नहीं। बाकी यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलत लिया अपने ट्रक को, मुझे यहाँ पर ना लेफ्ट साइड से जाना है ताकि मैं अपने ट्रक को ना अंदर ले जा पाऊँ, अदरवाइज़ ये जो सामने आप देख पा रहे हो ना इसके अंदर अपना ट्रक अटक जाएगा। अब यार देखो ये जो पार्किंग है ना इसके अंदर ट्रक अलाउड नहीं है, इसीलिए ट्रक के लिए ये मतलब एक टाइप से बेकार ही है। तो यहाँ पर अपना ट्रक जो है गाइस और ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो एसी के आप देख पा रहे हो ना इसे पता नहीं क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट कह सकते हैं, तो सारे के सारे लगे हो, तो अपना ट्रक और आगे नहीं जाएगा। बाकी वो कौन खड़ा है? ओके, तो वो फ्रैंकलिन ही है। तो चलो भाई, फ्रैंकलिन पता नहीं कौन से रास्ते से आया लेकिन जल्दी पहुँच गया। अभी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठते हैं, इसे नीचे उतारते हैं। तो गाइस देखो, बिना फिलहाल मेरे को एक चीज़ नहीं समझ आ रही कि ये जो मेरा ट्रक है ना मैंने इसे बीच रास्ते में कहीं पर भी नहीं ठोका, बट ये जो मेरी गाड़ी है ना इसके पीछे वाली हेडलाइट कैसे टूटी पता नहीं। खैर छोड़ो, कोई नहीं, अब पूरी की पूरी गाड़ी रिपेयर करवानी है तो एक हेडलाइट और करवा देंगे। फिलहाल यहाँ पर मैंने ट्रक से तो इसे काफ़ी ज़्यादा आराम से उतार लिया है, अब इसे धीरे धीरे घसीटते हुए लेकर चलता हूँ सीधा अपने शोरूम तक। भाई वहाँ तक पहुँचने में इतना टाइम लग रहा है, मान लो ट्रक ना होता तो वहाँ से लॉस सैंटोस तो भाई ये कभी भी नहीं आ पाती। तो गाइस फाइनली पूरे के पूरे 10 मिनट बाद यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को लेकर आ चुका हूँ। फ्रैंकलिन भाई थोड़ा सा धक्का लगवा ले यार, पूरी की पूरी जान निकल गई इस गाड़ी को यहाँ तक लाने में। तो चलो गाइस फाइनली इस गाड़ी को मैं ही लेकर आ चुका हूँ अपने शोरूम में, जल्दी से इसे नीचे लेकर चलते हैं। तो ओके गाइस, अभी फिलहाल मैं ओल्ड विंटेज कार को लेकर आ चुका हूँ अपने शोरूम में, तो जल्दी से इसे मैं आगे लेकर चलता हूँ सीधा बैनी के पास। और जैसे कि आप लोग यहाँ पर राइट में देख पा रहे हो, लग रहा आज बैनी किसी न्यू सुपर कार की मॉडिफिकेशन करने में लगा हुआ है। तो भाई जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ पर एकदम आराम से राइट मोड़ते हैं। और भाई यार सच्ची में ये जो गाड़ी है ना इसका इंजन तो खराब हुआ ही है, बट इस गाड़ी का वेट इतना ज़्यादा है ना उस वजह से ये और भी ज़्यादा नहीं चल पा रही, मतलब कि ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा अभी तक चली नहीं है। बाकी यार बैनी उस गाड़ी को छोड़, अब इस गाड़ी को देख। तो कि गाइस, अभी ना फिलहाल बैनी ने इस गाड़ी का जो बोनट है वो खोल दिया है, ये चेक करने के लिए कि आखिरकार इस गाड़ी के इंजन में क्या प्रॉब्लम है। बाकी अभी तक बैनी को भी नहीं समझ आया कि आखिरकार इसका इंजन क्यों दिक्कत दे रहा है। वैसे यार ये जो गाड़ी है ना अंदर से तो काफी ज्यादा रॉयल है और उसकी सीट भी मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है। अब फिलहाल यहाँ पर इसके पीछे की डिक्की भी अच्छी है। बाकी यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अपने शोरूम में कितनी सारी नई नई गाड़ियां आ चुकी है, और फिलहाल आगे की तरफ में ओके ये कार भी काफी ज्यादा अच्छी है यार। लेकिन मेरे को ये नहीं समझ आ रहा अपनी लैम्बोर्गिनी ओरस कहां पर चली गई, ये तो फिलहाल लैम्बोर्गिनी ओरस का कॉपी वर्जन आप इसे कह सकते हो, कुछ वैसे ही है देखने में। तो चलो कोई नहीं, भी देखते हैं बैनी क्या कहता है।
तो कि गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर बेनी से बात हो चुकी है और गाइस बेनी ये कह रहा है कि ये जो गाड़ी है ना ये आज से 50-60 साल पुरानी कार है और इस कार का जो इंजन है वो खराब हो चुका है। अब यार देखो गाड़ी को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें इसके अंदर इंजन लगाना पड़ेगा, बट यार दिक्कत की बात यह है कि इस गाड़ी का इंजन आज के टाइम पे मिलना एक टाइप से इम्पॉसिबल है। बट बेनी ने भी ऑनलाइन सर्च कराया तो बेनी कह रहा है एक जगह है वहां पर इस गाड़ी का इंजन हमें मिल सकता है, तो भी जल्दी से हम लोग वहां पर चलते हैं इसका इंजन देखते हैं, मिलता तो अच्छी बात है वरना यार हमें कर्नल के लिए कोई और दूसरी गाड़ी देखनी पड़ेगी, वरना ये वाली गाड़ी रिपेयर हो जाती तो बढ़िया रहता। वैसे गाड़ी रिपेयर हो सकती है, बेनी ने अभी इसे मॉडिफाई इसलिए नहीं कर रहा, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी हम लोग पूरी की पूरी रिपेयर कर दे, मॉडिफाई कर दे, बढ़िया सा कलर कर दे, सारी लाइट्स लगा दे, पर बाद में पता चले उसके बाद इंजन ही नहीं हो रहा तो वो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो भी जल्दी से यहां सबसे पहले बाहर निकलते हैं। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल लिफ्ट में बैठकर मैं आ चुका हूं सीधा ऊपर वाले फ्लोर यानी पार्किंग में, तो भी जल्दी से उस जगह पर चलते हैं जहां पर मुझे बेनी ने जाने के लिए बोला है। अब देखकर आते हैं वहां पर हमें गाड़ी का इंजन मिलता है या फिर नहीं मिलता। वैसे यार अपनी जो बाइक है ना काफी ज्यादा गंदी हो गया है, मेरे को लग रहा है कि फ्रैंकलिन शॉर्टकट मारने के चक्कर में ना इसे काफी खराब रास्ते से लेकर आया है। तो वो जो जगह है बेनी ने हमें बताई है कि वो कुछ इस साइड पर है, तो भी जल्दी से हम लोग वहां पर चलते हैं और देखकर आते हैं हमें वो जो गाड़ी है मतलब कि गाड़ी का जो इंजन है वो मिलता है या फिर नहीं मिलता। तो कि गाइस जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक को कुछ ज्यादा ही तेज भगाते भगाते उस शॉप पर पहुंचने वाला हूं। वैसे यार ये तो काफी सस्ती सी दुकान है और यहां पर मैं काफी टाइम पहले एक बार ही और आया था। अभी जल्दी से यहां पर अंदर चलते हैं, मतलब कि ये भी एक टाइप से ना ऑटो रिपेयर शॉप है। अभी यहां पर यही बंदा है कि पैराशूट का बैग किस लिए पहनकर बैठा हुआ है, तो चलो भी इससे बात करते हैं, पूछते हैं इंजन है या फिर नहीं। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल ये बंदा कह रहा है कि वो जो गाड़ी है उसका इंजन इन लोग के पास है, तो भी जल्दी से मैं इसके साथ चलता हूं और देखते हैं कि आखिरकार वो इंजन कहां पर है। वैसे ये कह रहा है कि जो इनका पीछे स्टोर रूम है ना वहां पर इन्होंने उस इंजन को संभाल के रखा हुआ है। बाकी यार चलकर देखते हैं कैसा इंजन है और कितने का ये हमें देने वाले हैं। तो कि गाइस जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल हम लोग बैक साइड पर तो आ चुके हैं। बाकी यार इधर आप लोग देख पा रहे हो कितने ज्यादा गाड़ी के अंजर पंजर पड़े हुए हैं, तो भी जल्दी से यहां पर मैं आगे चलता हूं। वैसे यार सच्ची में गाड़ियों का कचरा भर के पड़ा हुआ है, तभी इनके पास इतनी पुरानी गाड़ी का इंजन भी है और यहां पर तो गाड़ी की पूरी बारात लगा रहा है कि भाई पता नहीं कितनी गाड़ी इन लोग के पास है। तो भी जल्दी से चलते हैं सीधा स्टोर रूम के अंदर और यहां पर ये है गाड़ी का इंजन। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर मैंने इस बंदे को ऑनलाइन पेमेंट करके इंजन तो बाय कर लिया है, लेकिन यार इसने ना हमें काफी ज्यादा महंगा बेचा है क्योंकि यार ये कह रहा है कि ये जो इंजन है ना इनके अलावा और किसी के पास मिलने मिलने वाला, और वैसे भी यार सच्ची में ये बहुत ज्यादा यूनिक है। अभी फिलहाल ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग बाहर गाड़ी पे लोड करवा देते हैं क्योंकि काफी ज्यादा भारी है, तो हम लोग इसे अपनी बाइक पर तो नहीं ले जा पाएंगे, बट मैं इसे इनकी जो कार ये लोग दे रहे हैं उसमें ले जाएंगे, बाद में फ्रैंकलिन की कार आकर वापस कर देगा। वैसे यही वाली जो इनकी गाड़ी है इसे पीछे लोड करवाते हैं और फटाफट से इसे लेकर चलते हैं। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर इसने गाड़ी का जो इंजन है अपनी इस वाली कार पर लोड करवा दिया, फ्रैंकलिन तो जल्दी से बाइक लेकर मेरे पीछे पीछे आ। तो वैसे यार इस बंदे को देखो एक छोटी सी डील पर इतना ज्यादा खुश हो रहा है, मतलब कि अभी $80,000 क्या दे दिए बेचारे ने, पार्टी वार्टी शुरू कर दी। वैसे यार $80,000 बहुत ज्यादा होते हैं, तो भी फटाफट से अपनी ये वाली जो गाड़ी है इसको लेकर मैं निकलता हूँ और फ्रैंकलिन कहाँ रह गया, चलो चलो अभी फ्रैंकलिन भी आ रहा है। तो गाइस अभी फटाफट से चलते हैं हम लोग सीधा अपने शोरूम के लिए और वहां पर ये जो इंजन है बेनी को दे देंगे। और गाइस अभी अभी ना मेरे को मिलिट्री कर्नल का भी फोन आया था, वो कह रहा है कि जो हैकर है ना उसने मिलने के लिए लोकेशन दे दिया है, बट अभी हमें आधे घंटे बाद वहां पर जाना है। वैसे यार जब तक हम लोग वहां पर पहुंचेंगे आधा घंटा हो जाएगा, तो जल्दी से जितने काम है उसे निपटाते हैं और फटाफट चलते हैं उस हैकर के पास, देखते हैं कि आखिरकार वो हमें किस जगह पर बुला रहा है और आखिरकार वहां पर ऐसा क्या है कि जो उसने वही जगह डिसाइड करी। वैसे यार मैं थोड़ा सा गलत आ गया, एक सेकंड, मेरे को लेफ्ट में जाना और मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया। चलो कोई नहीं, आगे से जो रास्ता है वहां से चलेंगे। अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को लेकर चलता हूं। तो कि गाइस अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर पहुंचने वाला हूं सीधा अपने शोरूम में। अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को ना एकदम आराम से मैं यहां पर राइट मोड़ता हूं। बाकी तो यार आप लोग यहां पर देख ही पा रहे हो जो गाड़ी है ना इसकी ब्रेक यार सच्ची में बहुत ज्यादा खराब है। आगे कर भाई आगे कर। तो चलो यार अभी फटाफट मैं अपनी गाड़ी को यहां पर राइट मोड़ता हूं और फ्रैंक, चलो यार फ्रैंकलिन भी आ गया, मुझे लग रहा था कि पीछे रह गया क्योंकि मैं अपनी वाली कार को ज्यादा ही तेज भगा रहा था। तो चलो अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को हम लोग यहां पर खड़ा करते हैं और सीधा चलते हैं इसे लेकर नीचे। तो गाइस सर अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर नीचे नहीं जाने वाला है, मैं बेनी को कॉल करके बोल देता हूं वो ऊपर आकर ही अपनी गाड़ी मतलब कि गाड़ी का जो इंजन है वो ले जाएगा। अब यार देखो वैसे हम ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं क्योंकि अभी हमें ट्रैवर को बचाने के लिए जाना है, मतलब ट्रैवर को लेने के लिए जाना है, ट्रैवर को हम लोग ऑलरेडी बचा चुके हैं और जहां पर हमें हैकर ने मिलने के लिए बुलाया वो जो लोकेशन है वो मेरे को मिलिट्री कर्नल ने मोबाइल पर भेज दिया है। तो सबसे पहले हम लोग यहां से बाहर निकलते हैं। अरे बाप रे, चलो यार कोई नहीं, जाते जाते ना एक बारी मैं गाड़ी वॉश या रिपेयर करवा लूंगा क्योंकि गाड़ी अभी ना काफी ज्यादा गंदी हो चुकी है, फ्रैंकलिन ने भैया गलत रास्तों पर चलाई है, इसको रिपेयर भी करवाएंगे और फिर सीधा चलते हैं उस जगह पे। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक वॉश करवाने के बजाय सीधा लेकर आ चुका हूं फ्रैंकलिन के घर पर, क्योंकि यार फ्रैंकलिन के पास इतनी ज्यादा बढ़िया एसयूवी है इसको तो मैं भूल ही गया था। और यार वैसे भी हम लोग इस बाइक को लेकर नहीं जा सकते क्योंकि वापसी में हम तीन लोग हो जाएंगे, ट्रैवर को साथ लेकर आना है। और यार एक चीज ये भी है कि अगर हम लोग वहां पर इस बाइक को ले जाते हैं ना तो बीच रास्ते में काफी दिक्कतें आएंगी क्योंकि ये मतलब कि पूरा एकदम माउंटेन वाला एरिया है, तो कुछ इस जगह पर हमें जाना है, यहीं पर उस हैकर ने हमें मिलने के लिए बुलाया है और इसी जगह पर वो ट्रैवर को लेकर
आने वाला है, तो भी फटाफट से हम अपनी गाड़ी को एकदम आराम से राइट मोड़ते हैं यार, कहीं ऐसा ना हो कि वो जो हैकर है ना हमें भी अरेस्ट कर ले। वैसे यार हम लोग इतने भी कमजोर नहीं है, अपने साथ फ्रैंकलिन भी और ट्रेवर को भी हम लोग गन्स पकड़ा देंगे। बाकी यार एक बार ही बस हमें ट्रेवर मिल जाए फिर देखते हैं आगे हमें क्या करना है। अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को लेकर मैं चलता हूँ सीधा उस जगह पे। तो गाइस अभी ना फिलहाल मेरे को बीच रास्ते में मिलिट्री का लड़का दोबारा कॉल आया था और गाइस वो कह रहा था कि हमने जिस टेररिस्ट हैकर को पकड़ा था ना उस टेररिस्ट हैकर को अपने साथ लेकर जाना है उस लोकेशन पर, अकेले नहीं जाना, तो भी जल्दी से ना उसको भी अपने साथ लेते हैं। बाकी यार वो जो हैकर है ना जिसने ट्रेवर को अरेस्ट कर रखा है वो उसको अपने साथ लाने के लिए बोल रहा है। तो चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल लास्ट टाइम उसको ये जो लेस्टर की फैक्ट्री है इसी के अंदर छोड़ा था, तो भी जल्दी से मैं अपनी कार को अंदर लेकर चलता हूँ। और जहाँ तक मुझे लग रहा है वो अभी इसी के अंदर होगा क्योंकि उसको हमने धमकी दे दी कि कहीं पर अभी भागने की कोशिश मत करियो, हमारे कॉन्टैक्ट इतने ज़्यादा है कि दोबारा पकड़ लेंगे। वैसे यार उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है, अभी जल्दी से उसको ढूंढते हैं। फिलहाल रूम में चलता हूँ, यहाँ पर इस वाले रूम के अंदर नहीं, इस वाले रूम के अंदर छोड़ा था, अभी फिलहाल सो रहा है, चल तेरी उठ यहाँ से। अभी फिलहाल इसके यहाँ पर एक लात तो दे दिया, अभी जल्दी से उठ जा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर इसके एक लात देखे तो मैंने इसको जगा दिया है, अभी जल्दी से मैंने इसको बोल दिया कि चुपचाप मेरे पीछे पीछे आ। और अभी ना गाइस मतलब कि ये जो टेररिस्ट हैकर है ना इसको वो हैकर इसलिए पकड़ना चाह रहा है ताकि वो टेररिस्ट के पास तक पहुंच जाए और उनको उसके बारे में और भी ज्यादा सीक्रेट पता चले। अभी जल्दी से आओ भाई, दोनों के दोनों गाड़ी में बैठो और फ्रैंकलिन ध्यान रखे उसका। आजकल फ्रैंकलिन हमेशा हेलमेट लगाकर चल रहा है क्योंकि यार देखो हमारे ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है, तो हेलमेट ये चीज है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत अपना बचाव हो जाएगा, इसलिए हेलमेट लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है इस टाइम पर अपने लिए। तो भी जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ पर मैं राइट मोड़ता हूँ और अभी सीधा निकल लेते हैं हम लोग उस जगह के लिए। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते उसी जगह पर पहुंचने वाला हूँ जहाँ पर मुझे उस हैकर ने मिलने के लिए बुलाया था। तो भी जल्दी से अपनी गाड़ी को आगे लेता हूँ। अंधे हो क्या भाई, ये कैसे चला रहे गाड़ी, कोई इंडिकेटर भी नहीं दिया और झटके से मोड़ दी। खैर छोड़ो कोई बात नहीं, अभी जल्दी से मैं आगे चलता हूँ। और गाइस एक सेकंड, गूगल मैप्स आगे का रास्ता नहीं दिखा रहा, अभी तक तो फिलहाल मैं गूगल मैप्स को फॉलो कर रहा था, मेरे को इस जगह पर जाना है बट आगे कोई रास्ता ही नहीं यहाँ से, तो पीछे से एक रास्ता जा रहा है बट गूगल मैप्स इस रास्ते का वे पॉइंट नहीं दे रहा, पता नहीं यार क्यों नहीं दे रहा। बट अभी तो यार मेरे को अपनी गाड़ी मोड़नी पड़ेगी क्योंकि गाइस ये जो माउंटेन आप देख पा रहे हो ना मुझे इस माउंटेन के पूरा का पूरा उस साइड जाना है। अब यार चलो पीछे वाले रास्ते से ही चलते हैं, पता नहीं यार ये गूगल मैप्स को क्या नशे हो रखे, वो रास्ता दिखा नहीं रहा था। तो भी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर लेफ्ट मोड़ता हूँ और ये है वो रास्ता, तो भी फटाफट यहाँ पर और लेफ्ट मोड़ते हैं। अच्छा तो गाइस मेरे को अब समझ आया कि गूगल मैप्स यहाँ पर रास्ता क्यों नहीं दिखा रहा था, तो यार ये मतलब कि पैदल वाले लोगों के लिए यहाँ पर व्हीकल्स अलाउड नहीं है, अलाउड छोड़ो यहाँ पर व्हीकल्स जा ही नहीं सकती। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि ये लोग जो है अपना पैदल यहाँ पर इस वाले पहाड़ को चढ़ रहे हैं। गाड़ी आगे हट जाओ भैया, एक मिनट रुक जाओ, गाड़ी आ रही है पीछे से, ये लोग भी बेचारे परेशान हो। सॉरी सॉरी, गाड़ी का साइड वाला मिरर लग गया। चलो कोई नहीं, अभी एकदम आराम आराम से मैं इसे ऊपर लेकर चलता हूँ। और ये जो रोड है ना गाइस बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ऊपर ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। यहाँ पर सीढ़ियाँ तक आ गई हैं, तो पूरा का पूरा प्रॉपर पैदल वाले लोगों के लिए रास्ता है। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अपना बैठ के कैंपिंग कर रहे हैं। चलो भाई टूर पर आए होंगे, बाकी अभी अपने पास बिल्कुल टाइम नहीं है वरना हमारा टूर बन जाएगा, अभी जल्दी से इसे लेकर चलते हैं ऊपर। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल जैसे तैसे करके मैं अपनी कार को यहाँ तक तो ले आया, बट यार अभी ना आगे ले जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कितने ज़्यादा शार्प कट है यार, इधर सच्ची में चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। बाकी यार अपनी अच्छी बात तो यह है कि हमने गाड़ी थोड़ी बढ़िया ले रखी है, अगर मैं कोई वैसे सुपर कार ले आता ना तो भाई वो तो भूल के भी ऊपर नहीं चढ़ पाती। अब ये जो कार है ये SUV है, मतलब थोड़ा बहुत ऑफ रोड वाला भी ये काम कर रही है जो गाड़ी है। चढ़ जा भाई। तो ओके गाइस फाइनली यहाँ पर पूरी की पूरी जान लगा के रेस दिया है, तब जाकर ये गाड़ी ऊपर आई है। और यार इसके बाद का जो रास्ता है वो तो चलो यार पूरा का पूरा सीधा है, अब जो कट है ना वो उतनी ज़्यादा शार्प नहीं है। भाई दिक्कत की बात बस यही थी कि काफ़ी ज़्यादा शार्प कट थे तो गाड़ी को मोड़ने में बहुत दिक्कत आ रही थी। और फाइनली हम लोग माउंटेन के टॉप पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर ना बेसिकली लोग योगा करने आते हैं। और राइट साइड में आप लोग एक लायन देख पा रहे हो, फिलहाल इधर एक बाइक है बट अभी मेरे को बाइक से नहीं जाना है। एक मिनट, आगे का रास्ता कहाँ से है? ओ भाई गई 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 गई, आराम से ब्रेक 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 ब्रेक, आराम से। भाई सारी ब्रेक मार दिया मैंने फिर भी अपनी गाड़ी रुक नहीं रही, अभी अटकी पड़ी है, जैसे तैसे ब्रेक छोड़ती है नीचे जाएगी। चलो बच गई। और सामने की तरफ में गाइस मून नजर आ रहा है, भाई सच्ची में कैसी सी जगह है यार। अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को एकदम आराम से मैं नीचे उतारता हूँ, धीरे धीरे लेकर चलते हैं। भाई सच्ची में आज तो पूरी की पूरी ऑफ रोडिंग हो गई है। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मेरे को एकदम सही रास्ता मिल गया है जो कि जाएगा सीधा उस लोकेशन पर जहाँ पर उस हैकर ने मैं मिलने के लिए बुलाया था। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो झटके से सामने इतने ज़्यादा पेड़ कहाँ से आ गए, अभी तक तो एक भी पेड़ नहीं था पीछे, मतलब थे पर इतने भी नहीं थे, बट यहाँ पर भाई उसने मेरे को लग रहा है अपना सीक्रेट बेस बना रखा होगा। बाकी
यार अब मैं आगे कहाँ पर जाऊँगा यार, अभी तक तो रास्ता था बट इधर तो रास्ता ही बंदा है। एक काम करता हूँ, यहाँ पर अपनी गाड़ी में लेफ्ट मोड़ता हूँ। और यार सच्ची में ये जगह ना एकदम नास है यार, मुझे पानी से ही आना चाहिए था, मैं बेमतलब अपनी ये गाड़ी लेकर आ गया। ओके तो सामने की तरफ में एक याच खड़ी है, अभी जल्दी से ना उसके पास चलता हूँ, क्या पता वो याच नहीं यार वो याच भी नहीं होगा क्योंकि उसने ना मिलिट्री गनल को एकदम एग्जैक्ट यही लोकेशन दी थी और वो हैकर यार गलत लोकेशन तो देगा नहीं। अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर राइट में मोड़ता हूँ। और यार इधर देख रहे हो बीच पे इन लोगों ने कितनी गंदगी मचा रखी है, तुम्हारी ऐसी की तैसी भी मार दूंगा गोली। यार छोड़ो यार क्या ही बोले, अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर राइट में मोड़ता हूँ। बेचारे गन देख के डर गए हैं। ओके यहाँ पर सामने की तरफ में सबमरीन खड़ी हुई है उस हैकर की। भाई मुझे थोड़ी देर से लग तो रहा था कि कुछ खड़ा है, बाकी वो जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो वही है। तो अभी जल्दी से थोड़ा सा और आगे चलेंगे, अपनी गाड़ी में यहीं पर पार्क करता हूँ। उतरो भाई जल्दी से जाओ अभी फटाफट, यार हमें पानी के अंदर जाना ही पड़ेगा। यार सच्ची में इस हैकर ने काफी खतरनाक जगह पर अपना घर बना रखा है। साइड से चलूंगा ताकि पूरा ना भीगूं। तो गाइस यार देखो मैं सोच रहा था भीगूंगा नहीं, लेकिन इतनी बड़ी लहर आई जिसने यार पूरा का पूरा भिगा दिया। अब भीग गए हैं तो क्यों ना स्विम करते करते ही चल लें। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल हम लोग स्विम करते करते इसके घर के बाहर तो आ चुके हैं। बाकी यार अभी ये सबमरीन में हमें मिलेगा या फिर घर में मिलेगा ये नहीं मालूम। पूरा यार एक सेकंड, ये पानी के अंदर क्या, ओ भाई आप लोग यहाँ पर गाइस देख पा रहे हो पानी के अंदर इसने कैसे बॉम्ब लगा रखे हैं। भाई इनसे तो मेरे को दूर ही रहना चाहिए। अभी गाइस यार जल्दी से ना हम लोग उसके घर के अंदर ही चलते हैं। भाई ये जो बंदा है यार सच्ची में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बाकी यार तुम दोनों लोग कहाँ पर रह गए। अभी गाइस फटाफट से ना हम लोग इसके घर के अंदर चलते हैं। तो ये है इसके घर की मेन एंट्रेंस। अब पता नहीं यार इसका घर है या फिर आप लोग इसे सीक्रेट बेस भी कह सकते हो। तो जल्दी से आओ भाई दोनों। तो गाइस यार देखो वैसे तो ना सामने की तरफ में सीसीटीवी लगा हुआ है, तो मेरे हिसाब से इन्होंने मेरी शक्ल तो देख ही ली होगी। तो भी जल्दी से ना यहाँ पर हमें पासकोड डालना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। यार पता नहीं क्या पासकोड होगा। ओके तो गेट जो है ऑटोमेटिकली अनलॉक हो गया है, मतलब कि यार वो जो हैकर है ना उसने ऊपर से बटन दबा दिया होगा हमारी शक्ल देखने के बाद। तो भी ना जल्दी से एकदम आराम आराम से अंदर चलते हैं। ये लिफ्ट है ना, ओके तो ये लिफ्ट है, ये हमें ऊपर ले जाएगी। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल लिफ्ट में बैठकर मैं आ चुका हूँ सीधा ऊपर वाले फ्लोर पर। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कितनी ज्यादा बड़ी जगह है, और इस टाइम हमें कहाँ पर जाना चाहिए मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। तो कि गाइस अभी ना मेरी फिलहाल मिलिट्री कर्नल से दोबारा कॉल पे बात हो गई है, और गाइस वो कह रहा है कि ये जो हैकर है ना ये ट्रैवर को तभी छोड़ेगा जब हम लोग टेररिस्ट हैकर को बेहोश करके उसके हवाले करेंगे। अब यार देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तो मैं 2 मिनट में बेहोश कर दूंगा। ये देखो मैं इसको बेहोश करने जा रहा हूँ और ये फ्रैंकलिन से फालतू की बातें करने में लगा हुआ। इधर आवे तेरी ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से। अभी यहाँ पर एक तो कस के दिया है बट ये एक में बेहोश होने वाले बंदों में से नहीं है, इसके 3-4 पहले रख रख के ना एक मत्थे पे मारने। चलो भाई इसका खेल खत्म। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल फ्रैंकलिन को मैंने इधर ही रुकने के लिए बोल दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा हो और फिर उठ के भाग जाए, इसलिए भी मैं अकेले ऊपर जाने वाला हूँ। देखते हैं कि आखिरकार वो हैकर क्या कहता है। अब यार देखो यहाँ पर ना 2 रास्ते हैं, एक रास्ता तो इस तरफ में ऊपर जा रहा है और एक रास्ता आगे है। तो भी जल्दी से ना एक बारी मैं इस साइड चलकर देखता हूँ, और मुझे लग नहीं रहा था ये गेट खुलेगा क्योंकि यहाँ पर एक पासकोड लगा हुआ था और एक पैटर्न लॉक लगा हुआ था, तो मुझे लग रहा था ये सब डालना पड़ेगा बट ये तो बिना इसके डाले ही खुल गया। ओ भाई सब ये कितनी ज़्यादा ऊंची सीढ़ी है। फिलहाल आगे की तरफ में ना यहाँ पर एक गेट और है जिसके अंदर शायद से मुझे यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये वाला गेट खुला क्या? नहीं यार ये वाला गेट ऑटोमेटिकली नहीं खुला। और यहाँ पर जितने भी गेट है ना उसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम लोग उसे धक्का मार के खोल दिया वो कर दे, काफी ज्यादा हैवी गेट है। अगर खुलते हैं तो पासकोड से खुल जाते हैं ऑटोमेटिकली, अदरवाइज इनको खोलने का कोई तरीका नहीं है। अभी एक काम करता हूँ यहाँ पर इस तरफ में ऊपर चलकर देखता हूँ। और ये हाथ पे मेरे बेसबॉल बैट क्यों ले रखा है, इसको हटाओ, पता लगा हैकर मेरे को पहले ही मार दे। और यहाँ पर एक रास्ता और जा रहा है ऊपर, ये रास्ता तो अलग ही है। भाई ये कैसा घर है, इस घर के अंदर आवाजें भी काफी अलग। ओ भाई यहाँ पर एक गेट और था, ये भी खुल गया। ओ गाइस ये देखो सामने की तरफ में हैकर बैठा हुआ है और अभी मैं इससे बात करता हूँ कि क्या सीन है और भाई इसने क्या सेटअप बना रखा है ये सब। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल इस हैकर ने ट्रैवर को छोड़ दिया है, जिस गेट में हम लोग पहले गए थे ना जो खुल नहीं रहा था, तो इसने पीछे जो रिमोट रखा हुआ है ना टेबल पे वहां से पता नहीं कौन सा बटन दबाया और ये कह रहा है कि अब वो वाला जो गेट है खुल जाएगा। मतलब कि यार ये ना कैमरे में बैठे बैठे सब कुछ देख रहा था। और एक गेट यहाँ पर भी अंदर काफी सारे वेपन्स रखे हुए, मैं अंदर नहीं जाने वाला, ये ऐसा ना हो कि मेरे को मार दे। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो इसने एक बीच में बुलेट प्रूफ ग्लास लगा रखा है, तो हम लोग इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और ये कह रहा है कि अगर तुम कोई चलाकी करने की कोशिश करते ना तो अभी तक मर जाते, मतलब इसने ऐसा कुछ कर रखा है कि ये पूरा का पूरा घर ब्लास्ट हो जाएगा बट ये बच जाएगा। वैसे यार इसके घर के जो गेट्स हैं और जो वॉल्स हैं ना वो काफी ज्यादा हैवी है, मतलब कि अगर उसे कोई बॉम्ब से भी तोड़ना चाहे ना तो काफी ज्यादा मुश्किल से टूटेगी मेरे हिसाब से। तो भी जल्दी से यहाँ पर ऊपर चलते हैं, काश यार इस बारी ये वाला गेट खुल जाए, जहां तक मुझे लग रहा है खुल जाना चाहिए। तो चलो गाइस फाइनली गेट खुल गया और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई ट्रैवर की क्या हालत कर दी है। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल मैं पहली बार ट्रैवर को इतना डरा हुआ देख पा रहा हूँ, आप लोग इसके फेस पर देख पा रहे हो भाई ये कितना ज्यादा डर रखा है। यार अभी ना जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ये जो हैकर
जा रहा है ना ट्रेवर कह रहा बहुत ज्यादा खतरनाक है, अभी ना गाइस फटाफट हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अभी तो फिलहाल उसने ट्रेवर को छोड़ दिया है। अभी यहाँ पर जो अपना एग्जिट है एक रास्ता यहाँ से भी है पीछे से, ऐसा मुझे हैकर ने बोला था। अब एक रास्ता यहाँ से भी जा रहा है यार, पता नहीं कितने एग्जिट है। ये वाले गेट से हम लोग एग्जिट होने की कोशिश करते हैं। ओके तो यहाँ पर एक सीढ़ी है, ओ भाई साहब यहाँ पर एक गेट था ये खुल गया। तो चलो यार अभी ना फटाफट से मैं इसके ऊपर चढ़ता हूँ। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो, जहाँ तक मुझे याद है जो मेरी अपनी गाड़ी थी वो अपने नीचे की साइड पर खड़ी करी थी। तो चलो यार अभी ना फटाफट से मैं चलता हूँ सीधा अपनी गाड़ी के पास। बाकी तो यार सच्ची में इस बंदे ने अपना सीक्रेट बेस बहुत ज़्यादा ही सीक्रेट बना रखा है, मतलब कि यार इससे ज़्यादा सीक्रेट कुछ और हो ही नहीं सकता। मतलब जहाँ पर पेड़ नहीं भी उग रखे वहाँ पर भी इतने ज़्यादा रेडीमेड पेड़ लगा दिए हैं ना कि कोई भी इसका घर नहीं ढूंढ पाएगा। और अगर वो सामने से आता है तो ये उसे बहुत ज़्यादा आराम से मार सकता है, क्योंकि इसकी सबमरीन में भी वेपन्स है और साथ में इसने बीच रास्ते में भी वेपन्स लगा रखे हैं और नीचे इतने सारे बॉम्ब भी लगा रखे हैं। और तुम दोनों कहाँ पर रह गए यार, जल्दी से आओ। अभी फिलहाल अपनी गाड़ी तो मेरे को मिल गई, अच्छी बात है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर फ्रैंकलिन और ट्रेवर भी भाग कर आ चुके हैं, तो अभी जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं और निकल लेते हैं सीधा लॉस सैंटोस के लिए। भाई साहब ट्रेवर की जो हालत है ना बहुत ज्यादा खराब हो गया है, बेचारा ढंग से चल भी नहीं पा रहा। एक सेकंड, ये सामने से टेररिस्ट कहाँ से आ गए, निकलो यहाँ से। अभी कल ये सारे के सारे पिटे हैं और मूठ आगे आज भी आ गए बेचारे तीन तीन। ओ भाई यहाँ पर और भी टेररिस्ट है भाई, यार पीछे कौन चला रहा तेरी भैंस के दम निकल यहाँ से। यार तीन तीन टेररिस्ट मैं सोच रहा था, बट अभी तो यहाँ पर काफी ज्यादा टेररिस्ट है बहुत ही बुरी तरह। ओ भाई यहाँ पर इन्होंने पूरा पूरा ट्रैप कर रखा है ये एरिया, मतलब कि सारे के सारे फुल एकदम बुलेट चलाने में मस्त हो रखे हैं। ये देखो सारे एकदम आरपीजी चला रहे हैं, बाकी पीछे की तरफ भी बहुत टेररिस्ट हैं। अब यार गाड़ी आगे ले जाना ना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, एक काम करता हूँ गाड़ी को ना इधर मैं साइड लेकर चलता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे टेररिस्ट पे आरपीजी है, तो मेरे हिसाब से ये लोग हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अभी जल्दी से मैं अपनी बाइक को मतलब अपनी कार को यहीं पर रोकता हूँ और जितने भी टेररिस्ट है गाइस अभी ना हमें उन्हें मारना पड़ेगा। यार ये कहाँ पर है भाई, कोई ना कोई तो उसमें से। ओ भाई एक सेकंड यार ये तो आरपीजी मार रहे हैं सीधा। नहीं 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 यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी यार, मेरे को अपनी M249 निकालनी पड़ेगी वरना ये तो मुंह तोड़ डाले। यहाँ पर सामने से भी गोलियां चल रही है और ये है बंदा। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल हमारे पास बहुत ज्यादा ही टेररिस्ट आ चुके हैं, जहाँ पर हम लोगों ने इन्हें मारना सीधा शुरू कर दिया है। अभी तो फिलहाल फ्रैंकलिन ने सीधा बंदों को जला ही दिया, उनकी आरपीजी छीन के उन्हें ही मार दी। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर पीछे की तरफ में जितने बंदे भी आए थे ना ऑलमोस्ट हमने सभी को डाउन कर दिया है, तो मेरे हिसाब से ना अभी हमें अपनी कार को लेकर यहाँ से निकलना चाहिए। बाकी सामने की तरफ से एक बंदा और आ रहा है, भाई दोबारा से काम पे लग जाओ, यहाँ पर बहुत ज्यादा टेररिस्ट हैं। और यार ट्रेवर को संभाल के रखना, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेवर की गोलियां पड़ जाए। वैसे भी ट्रेवर की हालत जो है बहुत ज्यादा खराब है, तो यार उसको काफी ज्यादा हमें सेफ रखना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे की तरफ से भी किसी ने तो गोलियां चलाई है, बट यार वो मेरे को नजर नहीं आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ यही कहीं पर ना वो। ओके तो ये देखो ये कैसे घास के अंदर छुप के बैठा है, उठ उठती रही ऐसी की तैसी, नकली टेररिस्ट अब पिटेगा बहुत बुरी तरह। इसके लात ही लात दे पहले तो। भाई कौन मार रहा है ऊपर से स्नाइपर मार रहा है, एक सेकंड यार यहाँ पर। ओके तो गिरा एक बंदा ऊपर से स्नाइपर मार रहा है यार, काफी खतरनाक। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर किसी ने बहुत खतरनाक यहाँ पर हमारे आरपीजी मारी है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल इधर काफी सारे बंदे मारे जा चुके हैं, सामने से और भी ज्यादा बंदे आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यार अभी इधर रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। अब यार ये जो हैकर है ना मेरे को पता नहीं क्यों सारी की सारी ना इसी की साजिश लग रही है, बट यार ये तो खुद टेररिस्ट को पकड़ना चाहता है और यार वो बिल्कुल भी निकल के हमारी हेल्प नहीं कर रहा, पता नहीं यार क्या सीन है। फिर जल्दी से मैं अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकलता हूँ। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो गाड़ी पे कितनी ज्यादा गोलियां पड़ी है और सामने से और भी ज्यादा गोलियां पड़ रही है यार गाड़ी पे, बिल्कुल एकदम खून ही खून लग गया। पीछे की तरफ एक बंदा ये पिटेगा दूसरा, तेरी भैंस की दाल मारेगा तू। यहाँ पर फिलहाल इसको तो मार दिया, यहाँ पर गाड़ी रोको यार एक बार, वरना ये लोग अपनी गाड़ी पंचर कर देंगे और हम लोग अभी आगे नहीं जा पाएंगे। सबसे पहले तो मैं इसको मारूंगा, ये खड़े भाई सारे के सारे बंदे घास में छिप के बैठे हुए हैं, ये सारे पिटेंगे भाई, अभी आगे भी बहुत सारे बंदे हैं। तो चलो गाइस अभी फिलहाल मेरे हिसाब से यहाँ पर जितने बंदे थे सारे के सारे मारे जा चुके हैं, बट ये सामने से किसने फायर करा इसकी ऐसी की तस्वीर बहुत बुरी तरह पिटेगा भाई। मैं सोच रहा हूँ सारे बंदे मर चुके हैं लेकिन इस बंदे को अभी भी चर्बी चढ़ी हुई, इधर आबे तेरी भैंस कर निकल यहाँ से। अभी भी फुल चोड़ में है, मतलब कि यहाँ पर एक गोली मार दी उसके बाद भी स्नाइपर खाने के बाद मरा, वो भी पूरी हेड पे। तो चलो यार अभी जल्दी से अपनी गाड़ी लो, यहाँ से निकलते हैं यार, ये जगह बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। तो चलो गाइस यार फाइनली हमें हमारी गाड़ी जो है मिल गई है भाई, सच्ची में काफी देर से इसे ढूंढ रहे थे बट ट्रैवर ने इसे ढूंढ निकाला। अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से निकलते हैं और ये था वो आखिरी वाला बंदा, निकले यहाँ से, इसके तो एकदम भर के गोलियां बजाई है। अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को लेफ्ट में मोड़ता हूँ, यहाँ पर जितने भी टेररिस्ट है ना बाकी बची कुछ गोलियां ना इनके मुंह में घुसा देता हूँ, निकले यहाँ से सारे के सारे बहुत बुरी तरह पिटेंगे। और सामने निकलते हैं और टेररिस्ट, अबे कितने टेररिस्ट हैं यहाँ पर, ये क्या गाड़ी के अंदर एक बॉम्ब है
एक सेकंड, ये बॉम्ब भी लग रहा है मेरे को। अभी ना सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर लेकर ऊपर चलता हूँ, वरना यार गड़बड़ हो सकती है। मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस गाड़ी के अंदर बॉम्ब है। अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ पर रखता हूँ। तो ओके गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पर गाड़ी के कॉर्नर में देख पा रहे हो, जब हमने अपनी गाड़ी कॉर्नर में लगाई थी ना, तो इनमें से किसी एक बंदे ने उस गाड़ी के अंदर ला के बॉम्ब लगा दिया। बट यार अब मैं इस गाड़ी का क्या करूँगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो गाइस देखो, अभी ना फिलहाल अपने पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इस गाड़ी को यहाँ पर खाई में फेंक देना। जल्दी से सारे गाड़ी से कूद जाओ, वरना भाई सबके सब मारे जाओगे। तो चलो यार, सही टाइम पर ये लोग तो गाड़ी से कूद गए थे ना, मेरे को भी अच्छे से याद नहीं है। तो गाइस देखो, अभी ना फिलहाल मैं तो गाड़ी से एकदम सही टाइम पर कूद गया था, और उस टाइम पर मैं तो सेफ हूँ। बट मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार फ्रैंकलिन ट्रेवर कहाँ पर है। अब यार देखो, गाड़ी से जंप करने से पहले मैंने उन लोग को कमांड भी नहीं दिया था कि गाड़ी से कूदना है। अब मेरे को पता है क्या लग रहा है कि वो लोग गाड़ी से नहीं कूद पाए और वो गाड़ी के साथ ही नीचे खाई में जाकर गिर चुके हैं। यार ये इतनी ज़्यादा गहरी खाई भी नहीं थी, बट इतनी ऊंचाई से गाड़ी गिरी है तो एक्सीडेंट तो बहुत बुरी तरह हुआ ही होगा। एक बार मैं अपनी स्कोप ऑन करके देखता हूँ, यहाँ पर फिलहाल गाड़ी के अंदर बॉम्ब अभी तक ब्लास्ट नहीं हुआ है, और यहाँ पर काफ़ी सारे टेररिस्ट मरे हुए हैं। फ्रैंकलिन ट्रेवर, ओके तो फ्रैंकलिन यहाँ पर आ गया। ओबे ये पीछे क्या कर रहे थे, मेरे को तो लग रहा था ये लोग कूदे ही नहीं है, बट ये लोग पीछे से आ गए। चलो गाइस, अभी फिलहाल यहाँ पर हम लोग सेफ हो चुके हैं। बट इस गाड़ी का क्या, यार ये गाड़ी तो गई। ओ भाई साहब, ये कैसा ब्लास्ट था भाई, यहाँ से निकलो। ये जो टेररिस्ट है भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अभी जल्दी से जल्दी हमें ना किसी गाड़ी का जुगाड़ करना पड़ेगा। यहाँ से जल्दी से भागते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ में अभी बहुत सारे टेररिस्ट और भी बचे हुए हैं। तो चलो गाइस यार, फाइनली यहाँ पर हम लोग सेफ हो चुके हैं, और अभी मैं भागते भागते आ चुका हूँ दूसरी साइड पर। और यार ये देखो, जब हम लोग यहाँ पर आए थे तब इधर इतनी सारी गाड़ियाँ नहीं थी, और ये सारे के सारे टेररिस्ट ना अभी इन गाड़ियों को लेकर आए हैं। तो अभी फटाफट से ना यहाँ पर इनमें से कोई गाड़ी उठाता हूँ और यहाँ से निकलते हैं। बाकी यार ये जो पानी ना, ये मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं काफी देर से सोच रहा था इसके अंदर स्विम करने का, भाई कितना ज्यादा साफ पानी है। तो चलो यार अभी जल्दी से इसके ऊपर चलते हैं, मतलब अंदर का ना एक एक चीज नजर आ रही है इस पानी के। खैर छोड़ो यार, जो भी है, अभी फटाफट से हम लोग यहाँ पर ऊपर चढ़ते हैं। और ये देखो यार, कितनी ज्यादा बढ़िया बढ़िया कार ये लोग लेकर आए हैं। और तुम दोनों कहाँ पर रह गए भैया, जल्दी से आओ। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल ये जो कार है ना स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से यहाँ पर इन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाता हूँ और सीधा इस टाइम पर हम लोग निकल लेते हैं। ओके तो ये टू सीटर है क्या? एक सेकंड यार, मेरे को लग रहा था फोर सीटर है। भाड़ जाए, एक काम करता हूं, यहां पर इनकी ना जितनी भी गाड़ियां सारी फोड़ दो, यहां पर इनके जितनी तबाही मच रही है ना, जितने भी टेररिस्ट हैं। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहां पर मैंने हर एक गाड़ी पे ना बॉम्ब भी बॉम्ब लगा दिया, और इधर अभी देखना आप लोग कितना तगड़ा ब्लास्ट होने वाला है। मतलब जैसे लड़ी नहीं फूटती दिवाली पे, सेम टू सेम उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज हो जाएगी यहां पर। मतलब क्या, ये लोग बात-बात पे बॉम्ब लेकर आ जाते हैं भाई। मतलब हमारी गाड़ी के पीछे बॉम्ब लगा देगा, अगर उसने डिक्की बंद कर दी होती ना तो हमें वो बॉम्ब नजर आ जाता। अब उस टेररिस्ट की गलती थी कि वो डिक्की बंद करना भूल गया। अब फिलहाल मैंने सारी गाड़ी पे बॉम्ब लगा दिया यार। एक सेकंड, वो टू सीटर कार थी, और यहाँ पर ये जो एसयूवी है इसके ऊपर मैंने शायद से बॉम्ब नहीं लगाया है। ओके तो ये सेफ है, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो, अब हमें यहाँ से निकलना है। एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि मैं एक ही बटन दबाऊंगा और ये सारी गाड़ियाँ, मतलब जितने भी बॉम्ब मैंने लगाया ना, वो सारे के सारे फूटने वाले हैं। एक बार मैं चेक कर, ओ भाई इसमें भी बॉम्ब लगा हुआ था पीछे। अभी तो मैं खुद को ही मार डालते हम लोग। अभी फटाफट और आगे चलता हूँ। यहाँ पर शायद से जो ब्लैक वाली कार है ना, इसके ऊपर बॉम्ब नहीं लगा होगा। अब फेंका तो ओके, इसके ऊपर भी बॉम्ब लगा हुआ है यार। हटो हटो हटो, इतना अच्छा निशान है मेरा, कब से हो गया मैं इतनी दूर दूर से गाड़ियों पे बॉम्ब लगा दे रहा हूँ। ये गाड़ी सेफ है ना? चलो गाइस, फाइनली एक गाड़ी मेरे को सेफ मिली। मतलब जितने बॉम्ब भी मैंने फेंके थे ना, वो किसी ना किसी गाड़ी पे जाके चिपके हैं, वेस्ट नहीं गए। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर ड्राइवर अपनी गाड़ी में बैठ चुका है। एक बार मैं अच्छे से चेक कर लेता हूँ इस वाली गाड़ी पर तो बॉम्ब नहीं लगा हुआ ना। ओके ये वाली जो गाड़ी है बिल्कुल सेफ है। अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलता हूँ, और यहाँ पर अभी फटाफट से हम लोग ये जो बॉम्ब है ये ब्लास्ट कर देते हैं। यहाँ पर भाई जैसा कि मैंने कहा था, पूरी की पूरी लड़ी फूटने वाली है, और सेम टू सेम वही हुआ, जितने भी बॉम्ब थे सारे के सारे ब्लास्ट हो गए। अभी ना गाइस जल्दी से मैं वापस निकल लेता हूँ लॉस सैंटोस के लिए। तो गाइस देखो, अभी ना फिलहाल मेरे को थोड़ी बहुत मिलिट्री कर्नल की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो टेररिस्ट का ग्रुप है ना यार, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अभी तो फिलहाल हम सारे के सारे एक साथ थे, लेकिन यार मानो किसी दिन हम लोग अकेले हैं और उस दिन ये सारे के सारे आगे, फिर तो यार किसी ना किसी एक बंदे को तो मार ही देंगे। इसलिए अभी ना हमें काफ़ी ज़्यादा संभल के रहना पड़ेगा। अभी फिलहाल इस गाड़ी को मैंने रोड से उतारने से बढ़िया साइड से उतारना सही समझा, लेकिन ये देखो क्या हाल होगा। अभी फिलहाल कहीं ना कहीं तो रुकेगी। वैसे गाड़ी बहुत ज्यादा मजबूत है इसलिए ठीक है, वरना तो भाई और कोई गाड़ी चूसा हो जाता। और ये रुक क्यों नहीं रही है भाई, एक सेकंड। चलो भाई फाइनली ये पूरी नीचे उतर चुकी है इस तरीके से, और गाड़ी की जो शेप है ना इस टाइम पर पूरी की पूरी गोल हो चुकी है। ये देखो
पीछे से क्या हो गया, आगे से क्या हो गया। वैसे यार जो टेररिस्ट की कार है ना भाई बहुत ज्यादा मजबूत है, शीशे ही टूटे हैं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूँ सीधा लॉस सैंटोस अपने शोरूम के लिए। वैसे यार पूरे के पूरे रास्ते में ना ये जो गाड़ी है इसको मैंने बहुत ज्यादा ठोका, बहुत ज्यादा गिराया, लेकिन यार अभी भी ये गाड़ी एकदम स्मूथ प्रॉपरली चल रही है। ये गाड़ी यार सच्ची में बहुत ज्यादा काम आ सकती है, इसको मैं मॉडिफाई करवा लूंगा, रिपेयर करवा लेंगे। मतलब कि यार आप लोग यहाँ से ना आगे से इसकी लुक देखो, पूरी की पूरी एकदम धजिया उड़ चुकी है गाड़ी की, आगे के दोनों टायर एकदम बैंड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एकदम प्रॉपर भाग रही है। तो अभी जल्दी से चलता हूँ सीधा बैनी के पास, देखते हैं उसने गाड़ी रिपेयर करी या फिर नहीं। तो की गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपने शोरूम के अंदर आ चुका हूँ, तो अभी जल्दी से चलकर देखते हैं कि आखिरकार बैनी ने गाड़ी को मॉडिफाई करा या फिर नहीं करा। बाकी यार मेरे को बैनी कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, शायद से वो खाना खाने गया होगा। तो अभी जल्दी से हम लोग आगे चलते हैं। बाकी यार आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, बैनी ने तो यार इस ओल्ड विंटेज कार को गोल्ड विंटेज कार कर दिया। मतलब ये गोल्ड की तो नहीं है बट यार इसको ऐसा मॉडिफाई करा है, मतलब तो बिल्कुल न्यू लग रही है, और इसको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये 50 साल पुरानी गाड़ी है। अभी ना जल्दी से इसके अंदर बैठ कर देखता हूँ कि जो हम लोग इंजन लाए थे वो काम करा या फिर नहीं करा। अभी फिलहाल यहाँ पर ये जो गाड़ी है गाइस स्टार्ट हो चुकी है, और अभी पीछे वाला टायर भाई एकदम मक्खन चल रहा है। मतलब कि यार ये गाड़ी एकदम ओपी है यार, यहाँ पर इस गाड़ी के ऊपर सायरन भी लगा दिया और आगे दो दो फ्लैग्स भी लगा दिए हैं। भाई ये जो गाड़ी है ना ये मिलिट्री कर्नल को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, और उसने कहा था कि रिटर्न में वो भी हमें कोई ना कोई गिफ्ट देगा। तो चलो यार अभी ना सबसे पहले मैं पूरी की पूरी गाड़ी चेक कर लेता हूँ, फिर इसको मैं मिलिट्री कर्नल को दे आऊंगा। तो सबसे पहली जो चीज मेरे को चेक करनी है वो आगे की हेडलाइट्स। तो यहाँ पर हेडलाइट तो इसकी एकदम प्रॉपर जल रही है, और यहाँ पर इसके अंदर कुछ ज्यादा ही हेडलाइट्स है यार। एक सेकंड, ओके भाई ये तो पूरे को पूरा दिन कर देगी, जहां पर भी जाएगी 6 हेडलाइट्स आगे लगी पड़ी है, और यहाँ पर पीछे भी काफी सही सिस्टम है। यहाँ पर एक सेकंड पीछे की तरफ में दोनों इंडिकेटर्स भी काम कर रहे हैं, जो कि यार बहुत ज्यादा सही है। मतलब यार ये गाड़ी पूरी ओपी है, मतलब जहां भी जाएगी यार एकदम दिन हो जाएगा। ये देखो सामने नजारा देखो। अभी फिलहाल मैं इसकी लाइट बंद करता हूँ, और अभी ना जल्दी से इसको आगे लेकर चलते हैं। तो यार यहाँ से अभी गाड़ी में निकालने वाले, इस गाड़ी का हॉर्न एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके इस गाड़ी के अंदर आप लोग यहाँ पर सुन पा रहे हो, हॉर्न भी इन्होंने पुलिस वाली गाड़ी का लगाया है। तो चलो यार अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से बाहर निकलता हूँ, और सीधा से दिया था मिलिट्री कर्नल को। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर ऊपर वाले फ्लोर पर आ चुका हूँ। तो अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को लेकर चलता हूँ सीधा मिलिट्री कर्नल के पास। वैसे यार देखो अभी जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी काफी ज्यादा रात हो रही है। तो एक काम करेंगे, नेक्स्ट डे उसे देकर आऊंगा। अभी फिलहाल ये जो गाड़ी है ना इसको मैं लेकर चल लेता हूँ सीधा अपने घर पर, एक दिन के लिए वहां पर खड़ी करेंगे। बाकी यार सच्ची में काफी ज्यादा लग्जरी लुक आ रही है, पूरी एकदम शाइनिंग जो होती है ना वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल है। पता नहीं यार बेनी ने इतनी ज्यादा अच्छी मॉडिफिकेशन कैसे कर दी, इतनी तो यार मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो फ्लैग भी लगा देगा, ऊपर सायरन भी लगा देगा। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं अपनी कार को लेकर आ चुका हूँ सीधा अपने घर पर। अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ पर मैं राइट मोड़ता हूँ और सीधा अंदर लेकर चलते हैं। बाकी यार ये देखो इसकी जो लाइट है इतनी ज्यादा ब्राइट है ना कि आपने आज से पहले माइकल का घर इतना चमकता हुआ कभी नहीं देखा होगा। तो चलो यार अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ पर मैं राइट मोड़ता हूँ, यहीं पर पार्क कर देते हैं क्योंकि अपनी अंदर लैम्बोर्गिनी सियान खड़ी हुई है, तो उसको अंदर ही खड़े रहने देते हैं। अभी फिलहाल जल्दी से अपने घर पर चलते हैं, फटाफट सो जाते हैं, और नेक्स्ट डे जल्दी से उसको गाड़ी डिलीवर करके आ जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि रात ही रात वो चोरी हो जाए। बाकी इतनी भी कोई डरने की बात नहीं है, अभी जल्दी से सोते हैं फिर नेक्स्ट डे हम लोग वहां पर जाएंगे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर सुबह हो चुकी है और मैं सोकर भी उठ चुका हूँ। अभी जल्दी से जाना सबसे पहले गाइस यार यहाँ पर कपड़े बदलते हैं। बाकी यार देखो अभी फिलहाल कोई ढंग की ड्रेस तो है नहीं, बट यार मिलिट्री कर्नल के पास दोबारा से जाना है, इसलिए सोच रहा हूँ कोई ढंग का कोट पैंट ही पहन लूँ, वही ज्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल ये वाला जो है थोड़ा कलर बदल लेते हैं, पैंट अपनी वही रहेगी। फिलहाल इनमें से मेरे को कोई भी अच्छा नहीं लग रहा। ओ भाई ये है ना यार एकदम अलग ही चीज, अभी फिलहाल पहले थोड़ा सा ग्रे था लेकिन अभी पूरा व्हाइट हो चुका है। तो अभी जल्दी से हम लोग निकलते हैं सीधा मिलिट्री कर्नल के पास, एक बार चेक कर लूँ मेरी गाड़ी वहां पर खड़ी है या फिर नहीं खड़ी। मेरे को थोड़ा डर लग रहा है कहीं चोरी ना हो गई हो। ओके तो गाड़ी एकदम वैसी की वैसी वहीं पर खड़ी हुई है, और इतनी ज्यादा चमक रही है ना यार, मन तो नहीं कर रहा मिलिट्री कर्नल को देने का, बट यार अभी ना ये गाड़ी मेरे को से ले जाकर देनी पड़ेगी। तो अभी जल्दी से यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने घर से बाहर निकालता हूँ, यार जो भी बंदा देखेगा ना वो भी डर जाएगा, भाई कितनी ज्यादा महंगी विंटेज कार आ रही है। अभी फटाफट से मैं अपने बाहर निकालता हूँ, और यार मेरी गोल्ड लीमो कहाँ पर चली गई यार, एक सेकंड मैंने अंदर ही तो पार्क करी थी, पता नहीं यार गोल्ड लीमो कहाँ चली गई। चलो कोई नहीं वापस आकर देखूंगा। अभी फिलहाल जो मिलिट्री कर्नल है ना उसने मेरे को यहीं पर LSPD जो है अपना लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट वहीं पर मिलने के लिए बुलाया, उसने कहा वहीं पर गाड़ी लेकर आ जाओ, क्योंकि गाइस यार वो कह रहा है कि ना आज वो लॉस सैंटोस से जाने वाला है, अभी कुछ दिन के लिए जा रहा है परमानेंट नहीं जा रहा। तो अभी जल्दी से वहां पर चलते हैं उसे गाड़ी देकर आते हैं। वैसे यार यहाँ पर क्या मस्त लग रही है यार ये गाड़ी। चलो कोई नहीं अभी ज्यादा तारीफ होगी इस गाड़ी की, अभी जल्दी से चलते हैं इसको एक गाड़ी देने। तो चलो गाइस अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर पहुंचने वाला हूँ सीधा लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट। बस मुझे आगे वाले कट से एकदम आराम से राइट लेना है, वरना भैया तेज चलाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी ठुक जाए, और अगर गाड़ी ठुकेगी ना तो भाई फिर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा।
इसलिए मैं काफी ज्यादा संभल संभल के चला रहा हूँ। तो यार वो भी खुश हो जाएगा कि यार एक ही दिन में इन लोगों ने गाड़ी लाकर भी दे दी, और साथ में यार अभी ना मेरे को डिस्कशन भी करनी है टेररिस्ट को लेकर, क्योंकि यार आपको पता ही है इस टाइम पर हमें टेररिस्ट से बहुत ज्यादा खतरा हो चुका है। तो यार टेररिस्ट का जो मेन बॉस है उसको पकड़ना ही पड़ेगा। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी तो अंदर लेकर आ चुका हूँ, इसी के अंदर पार्क कर देता हूँ एकदम आराम से। वैसे यार काफी ज्यादा बड़ी यहाँ पर पार्किंग इन्होंने बना रखी है, तो चलो यार गाड़ी सच्ची में बहुत ज्यादा बढ़िया है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इन लोग को देने का। खैर छोड़ो जो भी है यार, ये देखो जब भी मिलिट्री कैनल चलता है ना अपने साथ इतनी ज्यादा पुलिस लेकर चलता है पूछो मत। चार गाड़ियां पीछे खड़ी है और कम से कम 7-8 गाड़ियां यहाँ पर आगे खड़ी है, पूरी की पूरी वैन भर भर के बंदे आए हैं। ओके तो यहाँ पर काफी सारे फौजी भी हैं, और यार मेरी दोबारा चेकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास आज कोई भी वेपन्स नहीं है। मेरे को पता था चेकिंग होगी इसलिए मैं सारे वेपन्स घर पर रखकर आया था। और ये लोग क्या करते हैं वेपन्स ले लेते हैं वापस नहीं करते। तो अभी कहाँ पर है भैया मिलिट्री कर्नल तुम्हारा? ओके ओए गोली किसने चलाई? ओके तो बाहर कुछ हुआ है, चलो चलो भाई मैं निकल रहा हूँ, पता नहीं क्या सीन है, मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, पता नहीं बाहर किसी की लड़ाई हुई वहां पर गोलियां चलाने लग गए। तो गाइस यार सच्ची में एक बार के लिए तो मैं सरप्राइज हो गया था, मुझे लगा कि ये सारे के सारे मेरे को मारने जा रहे हैं, बट यार मिलिट्री कर्नल ने ऐसा नहीं करा। अभी फिलहाल जल्दी से इससे बात करते हैं, इसको बताता हूँ कि मैं गाड़ी ले आया हूँ और ये रिटर्न में क्या देने वाला है। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर मिलिट्री कर्नल से बात हो चुकी है, और इसको मैंने टेररिस्ट वाली फाइट का पूरा सीन जो है बता दिया कि जब हम लोग हैकर के पास गए थे तो हमारे ऊपर टेररिस्ट का अटैक हुआ था। और गाइस ये कह रहा है कि इस टाइम पूरी की पूरी सिटी को टेररिस्ट से खतरा है, वो लोग कभी भी बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते हैं, इसलिए हमें उसे बॉस को ढूंढ के मारना पड़ेगा। और ये काम हम सब मिलकर करने वाले हैं। फिलहाल कर्नल थोड़े टाइम के लिए बाहर जा रहा है, बट यार एक चीज और मेरे को बेकार लगी, हमने इसको गाड़ी दी और ये रिटर्न गिफ्ट में हमें ये बता रहा है कि जो अंडर वाटर माफिया है वो अभी भी जिंदा है, लेकिन अगर तुम उसे अपने पास वापस लेना चाहते हो तो हमें इसके लिए एक और काम करना पड़ेगा, और वो काम है कि बिग माफिया के भाई को हमें मारना है। तो गाइस ये जो चीज है मेरे को बहुत ज्यादा डेंजरस लग रही है, क्योंकि जो बिग माफिया का भाई है उसकी सिक्योरिटी आप लोग को पता ही है, और उसको मारना मेरे हिसाब से इतना ज्यादा आसान नहीं है। बाकी यार मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं से हाँ बोलूं या ना बोलूं। तो गाइस देखो बिना फिलहाल मैंने मिलिट्री कर्नल को बोल दिया कि मैं सोच के बताऊंगा, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं है। बिग माफिया के भाई को मारना तो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन अभी वो नॉर्थ हैंगटन में है, इस टाइम पर उसको मारना एक टाइप से इम्पॉसिबल है। बाकी यार आप लोग मुझे बताओ कि मुझे अंडरवाटर माफिया को बचाना चाहिए या फिर जो बिग माफिया के भाई से अपनी दोस्ती है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए और उसको मना कर देना चाहिए। वैसे यार अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, आप लोग जाके कमेंट करो। वैसे एक चीज मेरे को समझ नहीं आई, जब अंडरवाटर माफिया मर गया था उसकी वीडियो आई थी, शायद से वो वीडियो फेक हो सकता है या फिर इन्होंने वीडियो के बाद उसे बचा लिया हो। अभी फिलहाल मैंने इसको बता दिया कि इसके लिए गाड़ी मैंने वहां पर रख दिया है, अभी फटाफट मैं निकल लेता हूं वापस अपने घर के लिए, टैक्सी कॉल करके बुलानी पड़ेगी। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं 650,000 लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो, एंड चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।